नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HDFC लाइफ जो है इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है और ये इसकी पेरेंटेड कंपनी HDFC है। और HDFC जो है अपने सेक्टर में सबसे लीडर कंपनी है। इसके पीयर्स जो कंपनियां हैं मार्केट में जो ट्रेड कर रही हैं वो SBI लाइफ इंश्योरेंस है और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट कैप 1,23,680 करोड़ है, जबकि SBI लाइफ इंश्योरेंस का 99,275 करोड़ का है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का 71,570 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा है 24.61%। उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस का नंबर आता है 18.81% और ICICI प्रू लाइफ का है 16.94%। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के मामले में और मार्केट कैप के हिसाब से जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस मार्केट लीडर है। ते हैं बहुत कुछ बताना दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं HDFC लाइफ बहुत तरह के प्लान चलाती हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान है, रिटायरमेंट प्लान्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, हेल्थ प्लान्स है, चाइल्ड प्लान्स है, वुमेंस प्लान्स है। तो ये कुल मिलाकर के आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर के लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, सारा कुछ ये आपको कवरेज देती है एक अम्ब्रेला के अंडर में। और दोस्तों, अब हमें ये जानना चाहिए कि HDFC लाइफ का बिजनेस जो है किस प्रकार से चल रहा है। इसके लिए हम लोग को इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि HDFC लाइफ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दोस्तों, मार्च 2013 में जैसा कि देख रहे हैं इसका सेल्स था 14,060 करोड़, जो कि बढ़कर के 2014 मार्च में 17,164 करोड़ हुआ। इस तरह करते करते जो है 6 साल में ये कंपनी जो है मार्च 2019 में 38,360 करोड़ का ये बिजनेस रिपोर्ट की है। इस तरह से इनका ये देखा जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 4 से 3% के आसपास रहा है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2013 में 448 करोड़ का इन्होंने रिपोर्ट किया था और मार्च 2014 में 725 करोड़ का किया था, जो कि बढ़ते बढ़ते मार्च 2019 में 1,277 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। और इनका EPS देखा जाए मार्च 2013 में 2.24 रुपीज़ पर शेयर का इनका EPS था, जो कि मार्च 2019 में बढ़ करके ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 6.33 रुपीज़ पर शेयर हो गया है। और इनका डिविडेंड पे आउट जो था मार्च 2013 में 0% था, 14 से इन्होंने डिविडेंड देना शुरू किया है, तो उनका डिविडेंड पे आउट 14% से लेकर बढ़ते बढ़ते मार्च 2019 में 26%, ऑलमोस्ट डबल के करीबन इनका डिविडेंड पे आउट हो गया है।
और इनका इंटरेस्ट देखा जाए, ये 2013 में 15 करोड़ का इंटरेस्ट पे करते थे और मार्च 2019 में ये 13 करोड़ का इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो इंटरेस्ट बर्डन है काफ़ी कम है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, इसलिए इसको अच्छा और ग्रोथ वाला शेयर कहा जा सकता है। इसका CGR रेशियो निकालने के लिए चलिए हम लोग इनके इस प्रॉफिट एंड लॉस आंकड़ों को एक्सेल शीट में देखते हैं। दोस्तों, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर एक्सेल शीट में ले लिया गया है और इसका सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड EPS का यहाँ पर आप लोग के सामने देखिए हमने CAGR रेशियो CAGR निकाल के रखा है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है 2013 से लेकर के 2019 तक में इन 7 सालों में 15.42% पर एनम के रेट से ये अपना ग्रोथ की है, सेल्स ग्रोथ की है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.71% के रेट से ये ग्रो किया है और इसका नेट प्रॉफिट 16.15% CAGR के रेट से ग्रो किया है और इनका EPS जो है 15.96% के रेट से ग्रो किया है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अभी काफ़ी शुरुआती दौर में ये जो है मार्केट में लिस्ट हुई है पिछले साल और काफ़ी अच्छे रेट से ये ग्रो कर रही है, सेल्स ग्रो कर रही है और न ही सेल्स ग्रो बल्कि नेट प्रॉफिट में भी अच्छा 16.15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसी प्रकार इनका EPS भी जो है 15.96% से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, ये देखा जाए कि इनका डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि डिविडेंड पे आउट मार्च 2014 में 13.75% था जो कि बढ़कर के डिविडेंड पे आउट अभी वर्तमान समय में 25.75% हो चुका है। इसलिए दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और निवेश के लिए काफ़ी अच्छा ये शेयर है, इसमें हम लोग निवेश कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है इन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन दोस्तों, कोई भी निवेश का डिसीजन लेने से पहले जो है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और आप खुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, अब इसका रिजल्ट तो हम लोगों ने देखा है, विश्लेषण किया है, अब इस शेयर का प्राइस वेरिएशन का जो है हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं कि किस तरह से इसका प्राइस मूवमेंट हुआ है रिजल्ट के साथ में। देखिए दोस्तों, ये जो शेयर है 2017 में लिस्ट हुआ था, 344 रुपये में ये लिस्ट हुआ था और आज का ये भाव इसका 601 रुपये चल रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगातार हुआ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार हुआ है, इसलिए ये कंपनी जो है इसका शेयर भाव लगातार जो है बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी ऐसे ही ग्रोथ करते रहेगी आने वाले वर्षों में और लगातार अच्छे डिविडेंड और शेयर भाव में अप्रिसिएशन दिखाएगी। अतः दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि ये निवेश के लिए एक बढ़िया और बेहतरीन शेयर है। तो अगर आपको हमारा ये दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
बेल आइकन को प्रेस करने से मैं जब भी नया वीडियो लोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे जानकारी से लाभान्वित होंगे। और न ही सिर्फ आप लाभान्वित होंगे, मेरा भी उत्साह बना रहेगा और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। धन्यवाद।